फाइनली हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट एंड गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। हालांकि जब तक ये अपलोड करूंगा तब तक गुड आफ्टरनून हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। खैर, हम लोग बात करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई नई सीरीज ग्रहण, जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 40 मिनट से लेके 52 मिनट्स के बीच में, बहुत ही ज्यादा लेंथी एपिसोड्स है यार। खैर, शो की कहानी बेस्ड है एक नॉवल पे जिसका नाम है 84। अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर, कहानी सेट है 2016 में रांची में, जहां पर के जर्नलिस्ट का हो गया है मर्डर। अब वहां के जो चीफ मिनिस्टर या कह सकते जो पॉलिटिशियन है, वो चाहते हैं 1984 में हुए राइट्स, यानी कि एंटी सिख राइट्स होते हैं, जहाँ पे जो बेगुनाह जो हमारे पंजाबी भाई है उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ था, मतलब इतना बुरा होता कि आप लोग इस शो में देख सकते हो। उस केस को मिनिस्टर साहब फिर से रीओपन करवाते हैं और एक नई टीम सेट करते हैं सिट, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। और इस टीम की हेड है एसपी अमृता सिंह, जो भी उसका नाम है। अब वो इस टीम को किस तरह से लीड करती, कैसे उन विक्टिम्स का पता लगाती, कैसे उन दंगाइयों का पता लगाती और कैसे इन सारे दंगों के पीछे कौन मास्टरमाइंड था, ये सब कुछ पता लगाती है, वो तो जानने के लिए आपको ये शो ही देखना पड़ेगा। फिर बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, तो देखो यार, यहाँ पर फैक्ट प्लस फिक्शनल ये दोनों ही चीज आपको देखने को मिलेगी। और उसमें कितना फिक्शनल है कितना फैक्ट है मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता कि शो का जो एग्जीक्यूशन वो बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं 2021 में भी आपको ये शो में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी फील होती है, यानी कि जो जो चीजें यहाँ पर बताई है, यानी कि कुछ लोग कैसे अपने माइंड में नेगेटिविटी रखते हैं और वो नेगेटिविटी किस तरह से डाली जाती है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर, फिर उसके बाद क्या कुछ होता है, फिर उस दंगे के बाद कैसे जिन पर यह अत्याचार हुआ उनकी लाइफ में क्या कुछ होता है और कैसे वो दंगा करने वाले लोगों के अंदर क्या बदलाव आते हैं। बेसिकली ये बहुत सारी चीजों पर फोकस करती है और उस सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीन पर उतारा है, तो यार तारीफ करनी पड़ेगी। कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे, जिन कैरेक्टर्स के आपको अलग अलग लेयर्स देखने मिलेंगे और कैरेक्टराइजेशन इस शो का बहुत ही बढ़िया लगेंगे, एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। सिनेमेटोग्राफी ऑसम है, 1984 के दौर को और 2016 को बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर किया, और 1984 के दौर को वो रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा उन्होंने सिर्फ कॉस्ट्यूम के यूज किया या तो फिर थोड़ा टोन को चेंज किया, हालांकि ज्यादा कुछ नहीं डाला, लेकिन हाँ वो जो जावा की बाइक डाली वो काफी हद तक इफेक्टिव लगी मुझे, क्योंकि वो एक दौर आपको समझ में आता साफ साफ। उसके अलावा जो दंगे के सीन्स थे यार, वो रोंगटे खड़े कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो इमेजिनेशन आती कि यार उस वक्त वो बेचारे लोग किस तरह से फील कर रहे होंगे, तो वो पल ऐसा था जो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, और जो चीज़ है वो मैं आपको रियल बता रहा हूँ। उसके अलावा शो का जो बीजीएम है बहुत अच्छा है, सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, स्मूथनेस फील होती है आपको इस पूरे शो के दौरान, बीजीएम मुझे काफ़ी अच्छा लगा यार। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो चाहे वो पवन मल्होत्रा हो चाहे वो अंशुमान पुष्कर हो, दोनों ही बंदों ने क्या परफॉर्मेंस किया यार, क्या परफॉर्मेंस किया। और इस शो में आपको लव देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, ट्रेजेडी देखने को मिलेगी, इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, एक्शन देखने को मिलेगा, इन सारी चीज़ों को जिस तरह से मिक्स करके स्क्रीन पर प्रेजेंट किया ना, मतलब आप अलग ही जोन में चले जाते हो। और ये शो के जरिए मैं आपको बताऊँ कि हमारे किसी भी पंजाबी भाई को बिल्कुल भी गलत नहीं बताया, हाँ लेकिन ये चीज़ बताइए कैसे कैसे कुछ पॉलिटिशियंस लोगों का फायदा उठाते और दंगे कराते, लोगों को भड़काते, वो चीज़ कहीं ना कहीं आप लोग आज भी फील कर पा रहे हो। बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम किसी पार्टी का तो नाम नहीं ले रहे, वो आप लोग खुद समझदार हो। शो की एडिटिंग की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी लगती है, यानी कि एपिसोड्स लंबे लगते हैं, ऐसा लगता है कुछ सीन्स को यहाँ पर ड्रैग किया है, तो एडिटिंग और भी अच्छी तरह से की जा सकती थी। डायरेक्शन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्या चांडल कुछ नाम है इनका, मैं एक्चुअली नाम भूल गया हूँ। डायरेक्शन काफ़ी अच्छा लगा, जो चीज़ ये बताना चाह रहे थे वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बताई है। और जैसे कि मैंने कहा, ये शो आप सोचोगे नहीं उस तरह से टर्न लेगा, कुछ एक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स भी डाले गए, मजा आ गया। रेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोल दूं कि इस शो में आपको कुछ जगह पे एडल्ट सीन, एकदम मामूली जगह पे, मतलब एक रेप सीन है और स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक एडल्ट सीन है, तो अगर आप लोग उसको मैनेज कर लेते तो उसके अलावा तो मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ भी गलत है, तो अब आप लोग खुद जिम्मेदार हो भाई, मैं तो आपको बता दे जो है। मैं शो को रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10, इट्स अ वॉचेबल शो, बट यस जो इसकी नेगेटिविटी है वो है इसकी लेंथ, और लेंथ का कोई इश्यू मैं बता नहीं सकता क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज में यही तो एक अंतर होता है मेरा भाई। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर भी अगर आपको क्लाइमेक्स देख के थोड़े आंखों में आंसू आ जाए तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये शो अगर आप लोग देखना चाह रहे हो इस वीडियो के बाद देखोगे तो वो भी जरूर बताना, और वीडियो कैसे लगा वो भी जरूर बताना, और रात भर जाके देखा हो तो कम से कम शेयर कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।